हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर नगेंद्र थालोर। आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि बार बार ईसीजी है, इको है, सब नॉर्मल आ रहा है, फिर भी चेस्ट पेन क्यों होता है? क्यों ये विचार आता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी, ऐसा क्यों होता है? चेस्ट पेन है वो एक आम समस्या है। ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर की कंप्लेन चेस्ट पेन की रहती है। हो सकता है आपका चेस्ट पेन हार्ट से रिलेटेड हो, लेकिन हार्ट के अलावा भी चेस्ट पेन के बहुत सारे कारण रहते हैं। हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन मेनली आपको दो कारण से होगा। एक यानी आपके जो नसें हैं हार्ट की, उनमें ब्लॉकेज हो सकता है, जो कोरोनरी हार्ट की डिजीज जिसको बोलते हैं। दूसरा ये कि आपकी नसें आपकी एकदम नॉर्मल हैं, लेकिन आपको वाल की दिक्कत है, आपका माइटल वाल प्रोलेप्स है, आपको कोई कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट की मसल्स की दिक्कत है, आपके हार्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस है, या फिर आपकी पंपिंग पावर एकदम कम हो गई या हार्ट फेल्यूर हो गया है, लेकिन आपने बार बार अपनी जांचें करवाई हैं, ईसीजी करवाया है, इको करवाया है, लेकिन हर बार जांच नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपकी ईसीजी नॉर्मल है, इसका मतलब उसमें कोई हार्ट अटैक का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। इको आपका नॉर्मल है। इको एक बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा टेस्ट है जो हार्ट की बहुत सारी दिक्कतों को पहचान लेता है। इको आपका नॉर्मल है, इसका मतलब आपके वाल एकदम नॉर्मल है, आपकी हार्ट की मसल्स एकदम नॉर्मल है, आपको हार्ट फेल्योर नहीं है, आपकी पंपिंग पावर एकदम नॉर्मल है, आपके हार्ट में कोई पानी वगैरह नहीं भरा हुआ है, आपके हार्ट में कोई होल नहीं है, ये सब चीजें आप इको से पता कर लेते हैं। इसके बाद में कुछ लोगों ने तो अपना टीएमटी बार बार करवाया रहता है या सीटी एंजियो भी करवाया हुआ रहता है। तो यदि आपका टीएमटी नॉर्मल है, इसका मतलब आपके नसों में कोई ऐसा ब्लॉकेज है ही नहीं, क्योंकि टीएमटी जब भी पॉजिटिव आएगा जब 60-70% के ऊपर ब्लॉकेज होता है। और यदि आपका सीटी एंजियो भी नॉर्मल है, इसका मतलब आपके कोई ब्लॉकेज बिल्कुल है ही नहीं, आपके कोई प्लाक भी नहीं है, कोरोनरी आर्टरी आपकी एकदम नॉर्मल है। तो फिर ये बार बार चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे विचार आ रहे दिमाग में, इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण रहता है आपके एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या फिर पैनिक अटैक आना। पैनिक अटैक में होता क्या है कि जैसे आप कोई न्यूज सुनते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है वो एक्सपायर हो गया, या कोई आपके रिश्तेदार या पड़ोस में कोई हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया, जैसे ही आप ऐसी कोई न्यूज सुनते हैं आपके दिमाग में साइकिल चलने लगती है और आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। यानी आपके जो स्ट्रेस वाले हार्मोन होते हैं, जैसे कोर्टिसोल है, एड्रिनलिन है, ये सारे हार्मोन आपकी बॉडी में एकदम से बढ़ने लग जाते हैं, और ये बढ़ने के कारण आपकी पूरी बॉडी में फिर सिकुड़न चालू हो जाती है, यानी वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, पूरा ऐसा लगता है जैसे जकड़न हो रही है, आपको छाती में दर्द चालू हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं आप, मुंह भी आपका सूख रहा है बार बार, और आप बोलने के लिए भी पूरा नहीं बोल पा रहे हैं, तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे भाई मेरे को तब हार्ट अटैक आ ही जाएगा या फिर मैं मरी जाऊंगा, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। और फिर आप भाग कर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे दोबारा ईसीजी को करवाते हैं, सब करते हैं, टेस्ट नॉर्मल आते हैं। ये पैनिक अटैक है जो आपको आधे घंटे से एक घंटे में सेटल हो जाता है, फिर आपका लाइफ नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन जब भी कभी नेक्स्ट टाइम पे आप न्यूज सुनते हैं फिर वैसी होने लग जाती है। में आपको ये समझना है कि ये आपके दिल से रिलेटेड नहीं है, ये आपके दिमाग से रिलेटेड है। और तो आपने ये पहले भी एक्सपीरियंस किया है, तो आप पहले ये देखें कि जब पहले भी इस तरह हुआ था तो कुछ नहीं हुआ, जांचें नॉर्मल आई थी और फिर थोड़ी देर में आप ठीक भी हो गए थे, तो इस बात को ध्यान में रखें और अपने आप को मोटिवेट करें। और दूसरा, आप इसको ठीक करने के लिए आप गहरी सांस ले सकते हैं, गहरी सांस लें और अब किसी से बात करें तो ये आपका उस टाइम पे जो इवेंट है वो एकदम से कम हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और अपनी जो नींद है वो पूरी लें, और किसी तरह की टेंशन है, स्ट्रेस है, उससे बचें, और अपने दिमाग में जो नेगेटिव विचार आते हैं उनको कंट्रोल करें और अपने आप को मोटिवेट रखें। इसके लिए आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं, मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं, जो आपके नेगेटिव विचारों को सही करके आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं। साथ में आपको कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे जिसमें SSRI और बेंजोडाइजिपन मेडिसिन रहती हैं, जो आपकी एंजाइटी को कम करती हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर में आपको कोई ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन दिमाग के कारण उसमें बार बार आपको परेशानी हो रही है, आपके घर वाले परेशान होते हैं, तो इसको जल्दी से ठीक करें और अपने करियर पे और अपनी जॉब पे फोकस करें और हेल्दी लाइफ जिए। थैंक्स।